एक तरफा प्रेम में एक 12 वर्ष की नाबालिग युवती की बेरहमी से हत्या की जाने की घटना ने कल्याण में सनसनी मचा दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक 20 वर्षीय युवक ने घटना को अंजाम देने के बाद फिनाइल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद उसे कलवा के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुलचवाड़ी पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जाँच में जुट गई है। कुलचवाड़ी पुलिस के अनुसार घटना बुधवार शाम कल्याणपुर के 30 गांव इलाके की है, जब 12 वर्षीय नाबालिग युवती प्रणीता दास अपनी मां के साथ कोचिंग क्लास से घर लौट रही थी। बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते वक्त आरोपी आदित्य कामले ने उस पर पीछे से हमला किया। 7 से 8 बार चाकू मारकर आरोपी ने बड़ी बेदर्दी से युवती की हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद आदित्य ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इस दौरान आदित्य ने फिनाइल पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। तबीयत बिगड़ने पर उसे कलवा के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस के मुताबिक एक तरफा प्यार में आदित्य ने युवती का कत्ल किया। युवती ने आदित्य के साथ रिलेशनशिप में आने से इनकार कर दिया था। उसी से नाराज होकर आदित्य ने युवती को मौत के घाट उतार दिया। कल रात को कल्याण ईस्ट में एक अतिशय दुखद घटना घटी है। कल रात को लीना प्रिय रंजन दास नाम की महिला अपनी अल्पवयीन बच्ची के साथ अपने घर पे जा रही थी, तो घर के स्टेयरकेस पे इसमें का जो आरोपी है आदित्य कांबळे, उसने एक तरफा प्रेम में वो लड़की के ऊपर चाकू से हमला किया है। उसके छाती पर और पेट पे और हाथ पे वार किए है, और ये करके वो वहाँ से भाग रहा था, तो पब्लिक ने उसको पकड़ के पुलिस के ताबे में दिया है। इस घटना के तहत कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर 302 का गुना दाखिल है, और इसका जो आरोपी है उसने भी ये घटना के बाद पॉइजन लिया था, फिनल पिया था, उसको कलवा हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, और उसके खिलाफ़ भी 302 का गुना हमने दाखिल किया है। और पुलिस इसमें पूरी तफ्तीश में जुटी है, मैक्सिमम एविडेंस आरोपी के खिलाफ जुटा करके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा कैसे मिलेगी ये पुलिस ये काम पुलिस करेगी।